Firstly, I want to ask a question. What is a family? Do you know, students? A group of persons related by blood or marriages makes a family. We learn good habits, customs, and values from our family members. That's why family is the first school of a child. परिवार दो या दो व्यक्तियों को मिलने से बनता है. परिवार या तो रक्त संबंध से बनता है या फिर किसी व्यक्ति को शादी करके घर में लाते हैं उससे भी परिवार का निर्माण होता है. स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फैमिलीज. फैमिलीज मे बी बिग और स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स. डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन. इट इज आल्सो नोन एज स्मॉल फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं? ऐसे परिवार जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. न्यूक्लियर फैमिली को भी स्मॉल फैमिली कहा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ बिग फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली बिकम्स अ बिग फैमिली व्हेन पेरेंट्स हैव मोर देन टू चिल्ड्रन. दिस टाइप्स ऑफ फैमिली इन मे इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स अलोंग विद पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं उसे बिग फैमिली कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, जॉइंट फैमिली. व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फैमिलीज इन अ ब्लड रिलेशन लिविंग टुगेदर. जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन लिविंग इन अ फैमिली इन द सेम हाउस. जॉइंट फैमिली उसे कहते हैं जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी लर्न टाइप्स ऑफ फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम छोटा परिवार कहते हैं, बिग फैमिली जिसे हम बड़ा परिवार कहते हैं और ज्वाइंट फैमिली जिसे हम संयुक्त